वेलकम बैक टू मज़ाक रात। हफ्ता आपने ग्रेजुएशन की जर्नलिज्म के अंदर और मॉडलिंग का शौक आपको उसके बाद हुआ? नहीं नहीं, शुरू से था। शुरू से था तो ये जर्नलिज्म में स्पेसिफिकली क्यों ग्रेजुएट किया? मुझे मीडिया का शौक था तो इसलिए मैंने सोचा कि जर्नलिज्म भी पढ़ लेते हैं, आगे एमएससी मैस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, तो बस मीडिया में घुसना था। मीडिया में घुसना था तो इसलिए आपने जर्नलिज्म पढ़ लिया। हाँ। तो कोई जर्नलिस्ट पसंद भी है आपको? नहीं, कोई नहीं। ये बड़ी एक अजीब बात है, एक बड़ा आयरनी होती है कि यहाँ पे आप कोई इस फील्ड से मुतालिक कोई डिग्री परसू कर लेती हैं, आपको पसंद ही नहीं तो फिर आप क्यों किए जा रही हैं? कोई तो डिग्री लेनी है ना। तो मेरी बहन को और डिग्री ले लो ना, मतलब ये मैथ्स कॉम जब पसंद ही नहीं तो फिर क्यों उसी साइड पे आप भाग रही हैं? इजी है थोड़ी आपकी तालीम और मेरी तालीम है कि मैंने भी मैथ्स इनविटेशन किया हुआ है। कम्युनिकेशन जो भी है असी इनविटेशन ही देना ना शादी। सरदार साहब, एक तो ये इनका मसला तो सॉल्व कराएं, ये जब भी यहाँ कोई मेहमान आती हैं और वो इस किस्म की सिचुएशन में हो तो ये आगे से इन बातों पे उतर आते हैं, इसका क्या किया जाए? मुझे लगता है इन्होंने जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है बस ये। यानी कि आप उनको कह रहे हैं कि बेसिकली वो सिर्फ प्रोग्राम की हद तक ये बातें करते हैं, इसके बाद अमली जामा नहीं पहना पाते? घर का बिल नहीं पूरा होता अमली जामा दे दो। ये तो वैसे ही होता ना, दिल लगी होती को अच्छा लगता है, दिल हर रोज ही लगता था पल्यों लगता, मेरे पल्यों लगता ना, तो प्रॉब्लम। मगर तुम्हें कभी कोई आगे से वो भी तो करे ना, वो देखो बिल्कुल एक डिसइंटरेस्टेड हमेशा मेहमान या डिसइंटरेस्टेड बैठी रही है। लेकिन जिंदगी में देखें शादी तो करना है, ये जो वकूबा ये तो होना ही होता है ना। तो बता दें किससे करनी है आपने, बताए इन शरीकों को, बताए आप। मैंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के आदमी से करनी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के आर्मी से? मैं अपना जाग लग गया। अच्छा, तो आपने कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स से करनी है, इसकी कोई खास, ये क्या पिछले कुछ हफ्ते की डेवलपमेंट है या उससे पहले भी आप ये समझती थी? नहीं, शुरू से। शुरू से ही आपको? हाँ। ये वैसे बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स, तो ये स्पेसिफिकली एयरफोर्स की होने चाहिए, ये आर्मी या फिर नेवी नहीं हो सकती? नहीं, एयरफोर्स का होना चाहिए। पुलिस भी नहीं हो सकती? नहीं, जब से मैंने वो मूवी देखी है ना परवाज़ जुनून तब से। अच्छा, ओए होए, ये यानी तो मेरी बहन, आप क्यों एयरफोर्स वालों के पीछे जा रही हैं? हमजा अली बासी खाली पड़ा है अभी। उनके साथ तो ड्रामा मूवी करूंगी। पता नहीं उन्होंने नौकरी मिलनी की नहीं मिलनी। नहीं, मगर उनके साथ ड्रामा करेंगी। और वैसे यानी कि हमजा अली बासी ने इतना कन्विंसिंगली एयरफोर्स ऑफिसर को पोर्ट्रे किया कि अब आप एक एयरफोर्स ऑफिसर से ही शादी करना चाहती हैं? हमजा अली बासी साहब, या आपने कमाल कर दिया है, बाकी आपने कुछ किया ना हो या ना हो, मगर ये तो आपने कर छोड़ा है ना। बाय द वे, आप इल्म है कि हमजा बासी असल में भी फ्लाइंग अपनी कर रहे हैं कंप्लीट और वो जहाज उड़ा लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका कोई इंटरेस्ट लेवल बढ़ रहा है इस बात से? जी। अच्छा, तो यानी कि जहाज भी उड़ा लेते हैं, आवाज तो उनकी अच्छी है ही है और शक्ल तो है ही है, पसंद तो मुझे है ही, तो वो भी आपको है, तो फिर पीछे बात क्या रहेगी? कॉल तो मैं क्या कॉल करूं? जी करें, करूं और क्या कहूं उनको कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लें या आप मान जाएंगी? ऐसी भी मान जाऊंगी, उनसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। शादी हमजा बासी कर रहे हो, ताडे मुछा रखन का की फायदा? एक तो मैं मैरिड हूं, दूसरा हमजा बासी दिए भी पूछा है ना मेरा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे आप इनके फैसले से मुत्तफिक है जो इनका थॉट प्रोसेस है। अच्छी बात है, देखें अगर इनकी वो लाइकिंग है हमजा बासी के लिए, इनकी डिजायर है, तो मेरा ख्याल है आप इसमें कोई थोड़ा रोल प्ले करें तो इनका अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। ये अलग बात है कि आपकी अपनी टीम आपके मुखालिफ हो जाएगी कि इनका काम नहीं बना, लेकिन ये मेरा सर इनका काम तो पिछले 3 साल से नहीं बना, ये तो कल से बैठे होंगे, बनना भी नहीं है इनका, नहीं बनने वाला। तो आप आम शलवार कमीज में भी हमजा बासी है, वो फाइटर पायलट की शलवार कमीज में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप काफी सोच चुकी हुई इस बात। You know I am very disheartened last 3 days. Oh, why? You know the weather is going to change very fast. Yeah, it's going to change now. Again summer आ रही है। बिल्कुल गर्मी आ रही है। मेरे को तो पक्का ही नहीं है। होए होए। मेरी मामा ने मैनू कहा सी तेनू तत्ती वा ना लगे। हाय हाय। मेनू तो ठंडी भी नहीं लग रही। So I went to the एक दुकान थे, उन्हें मैं कह कोई चीप जहा फैन मैनू दिखा। ठीक है। उन्हें कह दिस इज वेरी चीप, 4200 देगा। अच्छा। ते हल्की हवा देंदा। अच्छा। इहदे ते तेनू गर्मी भी नहीं लगेगी, ते भावे कबाब भी भुनी जाएगी। इतना हल्का है। बहुत लाइट हैगा। तो आप क्या चाहते हैं? I need 4200 rupees. I don't have any cash on me. So what should I do? मर जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है, वो आप छोड़ें अभी, मगर हमारे मेहमान में भी can try from him. How you doing, sir? आएगा केरी पार्टी दे? सरदार तनवीर साहब जो है चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इस वक्त। वाह, दिस इज गुड थिंग। तो सिर्फ 4200 चाहिए, 4200
मैं तो डबल देना टॉपी रख दे अगली अगली गर्मियों का कम भी हो जाना है ना अगली गर्मियां भी थैंक यू सर डबल तो दे दे देते ओए होए होए 10,000 नरगोली अभी गया भी नहीं हैं ये क्या ये भाभी का सदका है भाभी नहीं है अलग है वो भाभी नहीं है वही मैं कह रहा हूं भी ये तो नहीं हो सकते क्योंकि दिस गाय इज वेरी यंग ये यंग यंग तो ठीक है और वो भाभी नहीं है वो अलग आई हुई है यानी 10,000 देते ने तो यंग भी ना करा पांच का और दे के बच्चे बन जाओ बच्चे लेट मी डेडिकेट यू अ वन सॉन्ग वाह गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी चांदनी गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी चांदनी उठे जाके बैठ जाना जिथे गिल्ली थानी गोरी गोरी चांदनी दी वो पक्का नहीं सी ना है तो फिर मैं कोई गिल्ली जगह वेख के ते सो जाता क्या बात लेकिन हूं तो दो तो दो पक्के एक इस तरफ एक इस तरफ सर तू इस तरह के तू पैसे जोड़ ला तेन मैं पक्की लैके देना वा उस दिन सारी जिंदगी टुटेगी भी नहीं लेकिन इस्तेमाल अच्छे तरीके ने करना पक्की फड़ के एंजॉय नहीं करना पक्की रख के मूह एंजॉय करेगी दिस इज गुड आइडिया भाई मैं जो 10,000 खर्च करना 200 रुपए का बैरंग लुआ लवा केड़ी डिग्री है तेरे को मैं क्या सर FSC कहते ने FSC का की मतलब है मैं क्या सर फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन वेलकम बैक टू मज़ाक रात सुधा साहब आप पहले केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं और आप अब चेयरमैन भी हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लेकिन वैसे पार्टी कौन सी पसंद है आपको देखिए पर्सनली मुझे पीटीआई पसंद है इसलिए पीटीआई के अंदर हूँ इसलिए आपने सोचा कि मैं चेयरमैन बनूंगा रेवेन्यू बोर्ड का और ये नहीं था कि इस पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अंदर के मुझे होना चाहिए लेकिन ये है कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी से होता तो वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता तो मैं चूंकि इसी कम्युनिटी में से हूँ तो मेरा ये ख्याल है कि जो ओवरऑल लोगों की एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन भी है हमसे तो हमारी ये कोशिश ये होगी कि पंजाब जो है वो रोल मॉडल बने दूसरे प्रोवेंसीज के लिए भी और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से ट्रेड में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर पोटेंशियल मौजूद है जब मैं मिनिस्टर था हमने उस वक्त भी काफी काम किए एक्सपो भी करवाई मैंगो के हवाले से हमने एग्रीकल्चर एक्सपो करवाया जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियां हम लेके आए थे जिसमें 40 कंपनियां गैर मुल्की थी तो ये एक ऐसा शोबा है जो हमसे मुतल्लक है तो उसके अंदर काम करने में अच्छा इसलिए लगता है कि जी आप मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्लां सरदार साहब एड्रेसिंग जी करते अपनी मर्जी होंगी कि भाभी कहते हैं एड्रेसिंग ज्यादातर मेरी वो वाइफ ही सिलेक्ट करती है मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता टाइम की तुसी की दुकान खोलनी होंगी मतलब इतनी सारी कमिटमेंट्स होंगी इनके वो टाइम ही नहीं बचता साढ़े को सर्दियों जिन्हें कपड़े नहीं है जिन्हें तुसी पाए ने यकीन करो सर्दियां रेडी वन रेडी रेडी वन रेडी वन टू थ्री फोर यार तेरा बिरा बड़ा ही सफर करके आया वाई इमरान खान साहब ने बुलाया ना ऑफ कोर्स रात के 3:45 ओके मैनू कहंदे ने कि तेनु पता भी तमाम सीक्रेट सिचुएशन में किदे नाल डिस्कस करनी होंदी किदे नाल डिस्कस मैं कह सर किदे नाल मैनू कहंदे ने मैं तेनु पूछ रहा तू मैनू पूछ मैं कह सर ऑफ कोर्स मी अफजल अब निरगोली हां मैनू कहंदे ने यू हैव टू बी कम टू द साइड वाले दरवाजे च अच्छा नाल वाले कमरे च मैनू लाए गए ने ओके मैनू कहंदे ने के सारा रेवेन्यू जनरेट करो सारा रेवेन्यू जनरेट रेवेन्यू जनरेट नौ बार ये गल नौ बार कहा रेवेन्यू जनरेट करो रेवेन्यू जनरेट करो ठीक है मैं कह सर डोंट यू वरीड अबाउट ओए होए इदा की मतलब गलत अंग्रेजी मैं कह सर गलत अंग्रेजी हो गई है तो तुम फिक्र ना करो आई विल गिव यू अ रिपोर्ट ओनली 2.5 डेज क्या होए होए यानी 2 दिन और हाफ डेज ओके मैं सारे PMOs के जनरेटर चेक किए मंगला डैम के जनरेटर चेक किए तरबेला डैम के जनरेटर चेक किए तमाम प्रेजिडेंसी दी जड़ियां गड्डियां सिर्फ नहीं सन चुक दियां उन्होंने जनरेटर चेक किए मैं गया मैं क्या सर
تمام گڈیاں سیلف سٹارٹ نے جنریٹر سیلف سٹارٹ نے ڈیزل والے علیحدہ کر دیتے ہیں پٹرول والے علیحدہ کر دیتے ہیں دو ایک منٹ میں گھورے ہیں عمران خان صاحب نے جی سر ٹھیک ہے اس تو بعد میں کہندے نے کیڑی ڈگری ہے تیرے کول ہاں میں کہ سر ایف ایس سی ہاں کہندے نے ایف ایس سی دا کی مطلب ہے ہاں میں کہ سر فادر آف سیون چلڈرن جی سر ترکی میں ترکی جواب دیتا ہے ایک سیکنڈ کا پوز نہیں لیا تین چار سیکنڈ میرے ویخ کے نا میں نے کیا یو نیڈ اے سائیکارٹرسٹ آپ کو ذہنی امراض کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا ریونیو جنریٹ کرنا ہے آپ جا کے جنریٹر دیکھا ہے ریونیو جنریٹر میں کیوں کرا یار ان سے پوچھو ماشاء اللہ سردار کمال صاحب سردار کمال نہیں سردار تنویر علیاس خان صاحب یس داخو میر پور کھڑے دے اوہو یس سر یہ بورڈ آف ریونیو جڑا ہے گا یس او دے افسر نے کہ یار انہوں کو پوچھنا چاہیے یس پوچھو دیکھو نا شکل تو ذہین میں نہیں لگ رہا ہے جڑے بندے ذہین ہوندے نے نا وہ فیس تو نہیں لگدے اچھا وہ بڑے میسو ہوندے نے اوئے ہوئے ہوئے ادھا پر آئے کہ نا انا ہے جو بھی پولیس سی وہ کس واسطے اندھا دن فائرنگ واسطے بس ہے اندھا دن فائرنگ واسطے جنگ لگا ہوا کسی نے نہیں بھی نکلتا رکھا ہوا ماشاء اللہ یو نو شی از مائی گڈ نہیں نہیں میں انہوں کا کہہ رہا پتا آپ کو جنجوا لو دسو کیوں سوری یعنی پولیس دا ایک گریٹ آفیسر گریٹ اگریسفل تے تسی کہہ رہے ہو بھی انہاں دا نہیں پتا اسی تمام شعبہ جات دے اوتے نظر رکھنے اچھا میڈم بہت بڑے برانڈ ایمبیسڈر نے اوئے ہوئے ہوئے تے میں انہاں نوں بھول سکنا بالکل نہیں سردار صاحب خاموشیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو سردار صاحب بنا دے اللہ اللہ ہائے 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 سر کین آئی ہیو اے ون سیلفی پلیز وائی ناٹ پلیز تھینک یو سر میڈم اور بھی نال آ جائے گی نا بعد اس پھر میں تو ڈیلیٹ کر دیا سادہ لینا میں اپنی بچے نو بخانی پڑھتے نہیں آپ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا اس لیے کہہ رہا ہوں مائرہ خان کو لے کے جاؤں گا کہ نہیں ڈوبے گا جس طرح کا تھوڑا ذہن ہے نا شادی بھی آتے تو ضرور کہتے ہوں گے ذرا جانا جی ساری فیملی آ رہی ہے